नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं पिछली कुछ वीडियो से आपको ज्योतिष के कुछ अनोखे सूत्र बता रहा हूँ, उसी क्रम में आगे चल रहे हैं। तो आज पार्ट उसका 8 है। पीछे वाले पार्ट्स अपने ना देखे हो तो आप देखिए, बहुत यूज़फुल ज्योतिष सूत्र हैं ये, जो कि प्रोडक्शन में बहुत काम आते हैं। आज मैं आपको जो सूत्र बताने जा रहा हूँ उसको इस तरीके से हैं। एक देखिए, मूल त्रिकोण राशि का नाम सब आपने सुना होगा, मूल त्रिकोण राशि। ग्रहों की दो राशियाँ होती हैं और उन मूल त्रिकोण राशि, उनमें से कोई एक उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। जैसे घर के अंदर भी आप देखते हैं कि किसी घर में किसी माँ बाप के 4 संतान हैं या 3 संतान हैं या 5 संतान हैं, तो किसी न किसी बच्चे से उनको कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है। जैसे फादर का किसी बच्चे से, नॉर्मली देखते हैं कि फादर का बड़े बेटे से और मदर का छोटे बेटे से लगाव ज़्यादा होता है, तो वो भी कुछ ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि के तरीके से है कि ग्रह भी अपनी दो राशियां होने के बाद, हालांकि चंद्रमा और सूर्य की एक ही राशि है, पर बाकी ग्रहों की दो राशियां होने के बाद भी वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या उसका फल देना ज़्यादा पसंद करते हैं। मूल त्रिकोण राशि आपको सबकी मालूम है। मंगल की आपको मालूम है कि मेष होती है। मैं आपको जो 5 ग्रह हैं उनकी बता रहा हूँ खाली। है गुरु की आपको मालूम है धनु होती है, मूल त्रिकोण राशि 9 नंबर, ये 1 नंबर होती है। शुक्र की तुला होती है 7 नंबर। बृहस्पति की, बृहस्पति आ गया है और इसमें कौन सा मूल त्रिकोण, मंगल गुरु शुक्र शनि ले लीजिए आप। शनि की कुंभ होती है, मूल त्रिकोण राशि 11 नंबर। सूर्य चंद्र का मैंने इसमें आपको बताया नहीं है, मंगल बुध की बता देता हूँ आपको। बुध की कन्या होती है 6 नंबर। तो ये इनकी मूल त्रिकोण राशि कहलाती हैं। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि 5 नंबर ही होती है और चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि 2 नंबर वर्ष राशि होती है। तो ये जो मूल त्रिकोण राशियाँ हैं, कहने का मतलब ये है कि किसी भी ग्रह के फल डिसाइड करते वक्त ये देखना ज़रूरी है कि मूल त्रिकोण राशि उसकी किस भाव में है। जिस भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि होगी वहाँ के फल ज़्यादा मिलेंगे, या यूँ कहिए कि वहाँ के फल 75% फल वहाँ के मिलेंगे और 25% फल मिलेंगे वहाँ के जहाँ उसकी दूसरी राशि होगी। जैसे अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बुध है, बुध के पास ये एक मेष लग्न की कुंडली बनी हुई है। बुध के पास तीसरा भाव है, छठा भाव है। हालांकि दोनों भाव ही अशुभ भाव हैं, लेकिन वो इस भाव का रिजल्ट ज़्यादा करेगा छठे भाव का। यानी जब भी बुध की अंतरदशा या दशा चलेगी तो रोग ऋण शत्रु ये काफ़ी होंगे। आपको ऋण से परेशानी होगी, रोग से परेशानी होगी, शत्रु बढ़ेंगे आपके, ये सब चीज़ें होंगी क्योंकि छठे भाव का फल बुध ज़्यादा करेगा। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर बृहस्पति है, बृहस्पति के पास भाग्य भाव है और व्यय स्थान है, भाग्य स्थान है और व्यय स्थान है। तो जाहिर सी बात है, जो कि भाग्य स्थान में इसकी राशि, मूल त्रिकोण राशि भाग्य स्थान में है, तो इसलिए गुरु इस कुंडली के लिए, मेष लग्न की कुंडली के लिए नवे भाव के फल ज़्यादा करेगा। यानी वो भाग्य उदय करेगा, धर्म के रास्ते पर चलवाएगा, सदमार्ग पे पैसा खर्च करवाएगा, धन देगा, तो वो गुरु इसमें अच्छे काम करवाएगा क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि इस भाव के अंदर है। और गुरु हालांकि इसके फल भी देगा, गुरु को ही फल देने हैं इसके भी, लेकिन इसके फल कम देगा। और कम देगा तो बहुत ज़्यादा अशुभ फल नहीं देगा, क्योंकि इसलिए अशुभ फल नहीं देगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण भाव में है, तो इसलिए गुरु शुभ हो जाता है, शुभनाथ हो जाता है बेसिकली यू कैन से। तो उस चक्कर में गुरु व्यय भाव का स्वामी होते हुए भी अपनी दशा अंतरदशा में व्यय भाव के फल भी बुरे नहीं देगा। हाँ, अगर उल्टा होता, यहाँ पे व्यय भाव में अगर धनु राशि होती गुरु की, तो जाहिर सी बात है तो फिर हमें रिजल्ट गुरु के व्यय भाव के मिलते, यानी हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाते, हानि बहुत ज़्यादा व्यय होता हमारा, तो वो सब चीज़ें उसमें लागू होने के चांस रहते हैं। तो पहला एक ये नियम ये भी है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी ग्रह होते हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल करते हैं, पहले करते हैं, ज़्यादा करते हैं, और ज़्यादा में भी 75% फल मूल त्रिकोण राशियाँ करते हैं, 25% फल वो अपनी दूसरी राशियाँ करते हैं। अब सपोज़ कीजिए बुध है, बुध की मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर छठे भाव में है, एक राशि उसकी तीसरे भाव में है,
अब आपसे कोई पूछे कि बुध ने मूल त्रिकोण राशि का फल करना है ज़्यादा, क्योंकि 75% फल तो इसका करेगा वो। अब वो 75% फल जब करेगा तो पहले किसके करेगा, पहले इसका करेगा या इसका करेगा? यानी 25% वाले फल पहले करेगा या 75% वाले फल पहले करेगा? तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लग्न देखिए, लग्न से जो राशि नज़दीक पड़ती है, तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, यानी ये राशि नज़दीक पड़ी, इसका मतलब बुध की अंतर्दशा में पहले फल इस भाव के होंगे, थर्ड भाव के होंगे, बाद में इस भाव के फल होंगे। तो आप कह सकते हैं कि बुध की दशा जब चलेगी तो बुध की दशा में आरंभ में तीसरे भाव के फल होंगे और मध्य या अंत में आप कह सकते हैं कि दूसरे भाव के, छठे भाव के फल होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मूल त्रिकोण राशि का, और दूसरा उसके अंदर कि वो कब फल देते हैं, कब अपनी मूल त्रिकोण राशि का देते हैं, कब दूसरी राशि का देते हैं। तो वो लग्न से काउंट कीजिए, लग्न से जो पहले राशि आएगी उसका फल पहले दिया जाता है। दूसरा, मैं इसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताने जा रहा हूँ। ये सब मैं आपको जो ज्योतिष के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूँ। नॉर्मली हम लोगों ने जैसे मंगल है उसकी हमने दृष्टि सुनी है 4, 7, 8, शनि है उसकी दृष्टि सुनी है हमने 3, 7, 10, बृहस्पति है उसकी दृष्टि का हमने सुना है 5, 7, 9, और बुध है उसकी दृष्टि होती है 7th, शुक्र की दृष्टि भी 7th होती है, सूर्य की दृष्टि भी 7th होती है, और कौन सा इसमें ग्रह छूटा हुआ है, शुक्र आ गया, चंद्रमा की दृष्टि भी 7th होती है, 7th होती है। तो सारे ग्रह इसमें हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे ग्रह हमारे इसमें आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रह, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि ग्रह जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव को बहुत प्रभावित करते हैं। और ये भी आपको बताया है कि जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जैसे शुक्र है, गुरु है, चंद्रमा भी अगर क्षीण चंद्रमा ना हो तो वो शुभ ग्रह माना जाता है, बुध भी अगर अकेला हो तो वो भी शुभ ग्रह माना जाता है, तो उनकी दृष्टि हमेशा शुभ रहती है। यानी वो जिस स्थान पर दृष्टि डालेंगे वो स्थान हमेशा, उस स्थान में वृद्धि होगी, उसके शुभ फल मिलेंगे। जो पाप ग्रह होते हैं जैसे शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, ये क्रूर ग्रह बोले जाते हैं इनको, तो क्रूर ग्रह जहाँ पर दृष्टि डालेंगे उस भाव की हानि ही कहनी चाहिए, यानी उस भाव के फलों में हानि होगी। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। तो आप कई बार क्या होता है कि हम लोग सोच लेते हैं कि बृहस्पति चलिए 5, 7, 9 पे ही दृष्टि डाल रहा है, या बुध हमारा शनि जो है 3, 7, 10 पे ही दृष्टि डाल रहा है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमारे शनि की दृष्टि तीसरे भाव पे आ रही है ना सर, मतलब हमारी दृष्टि जो हमारा मेन भाव है जिसका हम विचार कर रहे हैं उस पर शनि की दृष्टि नहीं आ रही है, ना तो शनि की तीसरी दृष्टि उस पर आ रही है, ना 7th आ रही है, 10th आ रही है, तो हम लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि चलिए शनि की दृष्टि से बच गए इस भाव में, जिस भाव के रिजल्ट हमको चाहिए। लेकिन एक चीज़ में ध्यान देने वाली बात है कि इसमें दृष्टियाँ में स्पेशल दृष्टि भी उनको दी गई हैं। जैसे हर ग्रह अपने से 3 और 10 भाव को 25% दृष्टि से देखता है, अपने से 3, 10 भाव को, अपने से 5 और 9 को 50% दृष्टि से देखता है, और अपने से 4 और 8 को 75% दृष्टि से देखता है। यानी अब आप ये देखिए कि ग्रह नॉर्मली सभी भावों को कवर कर लेते हैं। ग्रह नॉर्मली, जैसे अब आपका सूर्य है, शुक्र है, चंद्र है, बुध है, कहने को इनकी सिर्फ 7वीं दृष्टि है, लेकिन इनकी 3री और 10वीं दृष्टि भी है, इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि भी है, इनकी 4थी और 8वीं दृष्टि भी है, जो कि 75% है, 50% है, 25% है। ऐसे केस में जहाँ बृहस्पति के पास 3 दृष्टि ऑलरेडी अवेलेबल हैं, 5, 7, 9, तो ये सारी दृष्टियाँ 100% हैं। हाँ, जब बृहस्पति अपने से 4थे भाव को और 8वें भाव को देखेगा तो 75% होंगी, अपने से 3रे भाव को देखेगा, 10वें भाव को देखेगा तो 25% दृष्टि उसकी होगी। इसी प्रकार से शनि की 3, 7 और 10
तीन दृष्टियां हैं जो 100% दृष्टि कही जाती हैं। तो शनि जब भी पांचवें और नवें भाव को देखेगा तो 50% दृष्टि से देखेगा, और शनि जब भी चौथे आठवें भाव को देखेगा तो 75% दृष्टि से देखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुंडली में सोच के कि भाई मेरा ये वाला भाव है जिस भाव के रिजल्ट मैं चेक कर रहा हूँ उस भाव में शनि की दृष्टि नहीं है, और उसके रिजल्ट अच्छे होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार ये भी चेक कर लेना चाहिए कि जो ये दृष्टियाँ हैं क्या ये दृष्टि भी शनि की वहाँ पड़ रही है, क्या शनि की चार और आठ दृष्टि भी वहाँ है या नहीं है, या शनि की पाँच और नौ दृष्टि भी वहाँ पर है या नहीं है। उसके बाद ही रिजल्ट आपको कहना चाहिए कि रिजल्ट अच्छा होगा, शुभ होगा या थोड़ा निम्न होगा, उसमें रिजल्ट में हानि होगी। तो ये दृष्टि का प्रभाव इसके अंदर आता है। और इसमें एक सूत्र आपको मैं एक और बताता हूँ अभी कि देखिए, वो भी दशा के हिसाब से है कि जब भी सूर्य की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, ये जो सूत्र है ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, ये जातक पारिजात का सूत्र है, जातक पारिजात में इसका वर्णन किया हुआ है, और ये सूर्य के लिए नहीं सभी ग्रहों के लिए है। कहना ये है कि जब भी सूर्य की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो सूर्य जो जिस भाव में मेष राशि पड़ रही है, जिस भाव में मेष राशि पड़ रही है, जैसे बालिया यहाँ तो पहले भाव में पड़ रही है, किसी और कुंडली में हो सकता है मेष राशि किसी और भाव में आ रही हो, जैसे मैं नॉर्मली यहाँ पे कुंडली बना देता हूँ आपके लिए एक अलग, तो इसमें आप देखिए इधर हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं चार नंबर से, चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन, तो मेष राशि चौथे भाव में है, सॉरी दसवें भाव में है, मेष राशि दसवें भाव में है। तो सूर्य की जब भी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होगी, चाहे सूर्य इसका स्वामी हो, सूर्य यहाँ बैठा हो या ना हो, सूर्य की दृष्टि इस भाव पे हो या ना हो, इस भाव के दसवें भाव के शुभ रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मेष राशि सूर्य की उच्च राशि होती है। इसी प्रकार जब सूर्य की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी तो तुला राशि जहाँ पर आ रही है यानी चौथे भाव के रिजल्ट नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि तुला राशि उसकी नेगेटिव राशि वो नीच राशि होती है। इसी प्रकार जब भी दशा चलेगी किसी भी पर्टिकुलर और ग्रह की आप ले लीजिए, जैसे कि चंद्र की दशा है, जब चंद्र की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी तो जहाँ वृष राशि होगी, यहाँ वृष राशि है ग्यारहवें भाव में, तो आपको ग्यारहवें भाव के रिजल्ट भी मिलेंगे। और चंद्रमा की जब अंतरदशा अच्छे मिलेंगे, इसके शुभ रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा की उच्च राशि है ये, और चंद्रमा की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो पांचवें भाव ये वाला है, पांचवें भाव के रिजल्ट हमको नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा की यहाँ पे नीच राशि है, और ये जब है जब चंद्रमा का इस भाव से कोई कनेक्शन नहीं है तब भी आपको मिलेगा। तो इसी प्रकार से हर ग्रह की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा या महादशा जब भी आती है तो वो अपनी दशा में, चाहे वो अंतरदशा हो प्रत्यंतर हो या महादशा हो, वो अपनी उच्च राशि के पॉजिटिव फल देता है जहाँ उसकी उच्च राशि होती है, और जहाँ उसकी नीच राशि होती है उसके नेगेटिव फल देता है। तो ये कुछ सूत्र मैंने आपको बताए, इनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अलग सूत्र बताऊंगा। आशा करता हूँ पसंद आपको आया होगा, आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।